इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुम्बरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर को एक साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो मुम्बरा में अपने कार्यों की वजह से जाने जाते हैं, चाहे वो अवैध निर्माण हो या फिर अवैध पानी का कनेक्शन हो। जो अपने स्टाइल में काम करने के लिए ये जाने जाते हैं, उनके एक साल के कार्यकाल पूरा होने पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सहायक आयुक्त महेश आहिर। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है और आपने किस तरह से जो है इलीगल बिल्डिंगें जो बनी है और जो पानी के अवैध थे कनेक्शन, उन पर किस तरह के आपने एक साल में ये कार्रवाई की? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे सर्विस के कार्यकाल में 97 में पहली बार इंक्रोचमेंट में काम किया था। वहाँ के तत्कालीन आयुक्त चंद्रशेखर साहब के अंडर में, तो मैं उनके अंडर में 3 साल काम किया और मेरे पास जो उस टाइम उन्होंने एरिया दिया था वो कैडबरी से लेके पूरा घोड़बंदर रोड था। तो बहुत कुछ बातें उन्होंने सिखाई थी कि इंक्रोचमेंट का काम कैसे चलता है। उसके पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था और उन्होंने सब जानकारी दी कि कोर्ट केस में कैसे काम करना चाहिए, डिमोलिशन में करने के टाइम कौन सा एक्ट का प्रोविज़न लगाना चाहिए, रोड के साइड में रहेगा तो कौन सा लगाना चाहिए, 260 का मतलब क्या है, सब सिखाया। उनको मेरा काम पसंद आया था तो वो पर्सनली मुझे सिखाते थे। और येऊर जैसा हॉट सब्जेक्ट मेरे पास था, एरिया था, तो उसके लिए मुझे उनके यहाँ बार बार जाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम येऊर के ऊपर हर साल हर सेशन में कोई ना कोई MLA असेंबली क्वेश्चन उठाता था, तो उसके लिए मुझे उनके साथ में घंटों बैठना पड़ता था डिस्कशन के लिए। तो उनके सहवास में बहुत कुछ सीखने को पाया। और उसके बाद में जब हॉनरेबल जायसवाल सर ने 2015 में चार्ज लिया, तो मुझे याद है कि उन्होंने जब चार्ज लिया था तो 21 या 27 जनवरी 15 को उन्होंने नौपाड़ा में राउंड लिया था। तो मैं उनके साथ में, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ उस टाइम के कोतौड़ेकर पांचाल, मैं हम लोग साथ में थे। तो जायसवाल सर ने उसी टाइम कुछ बातें बताई थी मुझे कि नागपुर में उन्होंने कैसे काम किया ऑकर्स के बारे में या डिमोर, तो वो मेरे मन में रह गई थी। तो जब मुझे पिछले साल 2018 में मैंने 1 नवंबर को चार्ज लिया, तो जायसवाल साहब का काम मैंने नज़दीक से देखा है तो वो हिसाब से कुछ सीखा है मैंने, तो वो हिसाब से मैंने काम करना। जो आपके वरिष्ठ हैं उनके देखने के हिसाब से, उनके बताने के अनुसार, उनके मार्गदर्शन पर चलकर आपने जो है, मैं उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो कुछ काम सिखाया है वो हिसाब से काम किया है। बाकी उन्होंने चार्ज दिया है तो मुझे मेरे अधिकार क्या है, काम कैसे करना चाहिए, अवैध निर्माण करने वालों के ऊपर कौन सी केस करनी चाहिए, तो मुझे पहले से जानकारी थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी पहले सहायक आयुक्त रह चुके हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मैंने कॉरपोरेशन का काम समझो घर से ही सीखा है और सर ने, मैं उनको मेरा भगवान मानता हूँ, तो उन्होंने सब सिखाया है, वो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो मुम्बरा जैसा सेंसिटिव एरिया उन्होंने दिया था तो मुझे मालूम था वहाँ दिक्कतें आएंगी, लेकिन पब्लिक ने अच्छा सपोर्ट किया और सब ने सहयोग दिया, पुलिस ने भी दिया, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरे स्टाफ का सहयोग हमेशा रहा है मुझे, मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी है सब, हमारे जोन के डिप्टी कमिश्नर है मनीष जोशी साहब, हमारे हेड क्वार्टर के उपायुक्त तो बुरपल्ली साहब है, उन्होंने जब भी मैंने मदद मांगी मैन पावर की, पुलिस की, सब ने दिए। और जायसवाल सब तो हमेशा पीछे ही रही, काम करने वाले सब अधिकारियों के पीछे। जैसे आप कह रहे हैं कि मुम्बरा काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो आपने फिर भी यहाँ पर जो काम किए हैं करीबन, तो कितने इलीगल जो बिल्डिंग इमारतें बनी थी उस पर कितनी कार्रवाई की और कितने लोगों के ऊपर जो है अब तक अपने कार्यकाल के दौरान जो है गुनाह दाखिल किया? मैंने सबसे ज़्यादा बैनर के ऊपर गुनाह दाखिल किए, सबसे ज़्यादा बैनर मेरे प्रभाग मुम्बरा प्रभाग समिति में निकाले गए हैं। और जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थे मेरे आने के पहले नए नए हुए थे वो मैंने तोड़े, बाद में कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा विधानसभा में कोड ऑफ कंडक्ट का फ़ायदा लेके जिन्होंने किए, रमज़ान में मेरा स्टाफ ऑफर सटाने में बिजी था उसमें जिन्होंने किए, सबके ऊपर किए। और फिलहाल मैंने अभी 21 MRTP तैयार करके रखी है, अभी स्टेप बाय स्टेप 21 FIR दाखिल हो जाएंगे MRTP के बिल्डर लोगों के ऊपर, और उनकी डिटेल आपको मैं एंट्री के बाद में आपको डिटेल में दे देता हूँ फिगर्स। और हॉकर्स में सबसे ज़्यादा कार्रवाई मुम्बरा में हुई, उसकी फिगर्स भी आपको मैं दे देता हूँ, सबसे ज़्यादा हॉकर्स हटाए गए। और जो विवादास्पद गुलाब पार्क मार्केट जो था
वो हनरेबल जयसवाल सर, मेरे वरिष्ठ अधिकारी बुरपल्ले साहब, सब अधिकारी, सब इंजीनियर, इनका एक हम ड्राइव रखा था जयसवाल साहब ने, सेंट्रल का एक डिमोलिशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसकी मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये हटना चाहिए, ट्रैफिक हो रही है, पब्लिक की कंप्लेंट्स है। तो सर ने तुरंत मदद की और पुलिस ने मदद की, सर ने पुलिस कमिश्नर साहब से बात करके तुरंत सब बंदोबस्त दिया। सर खुद आए थे वहाँ पे, तो हमने वो एक दिन में गुलाब मार्केट हमने उठा लिया और उनको हमने मित्तल में टेम्पररी बेस पे वहाँ एक मार्केट बना के दे दिया रोड के बाजू में। तो उसकी वजह से रोड पे वापस नहीं बैठते अभी। हाँ, छुट्टी के दिन कभी दो चार लोग बैठते हैं, डीपी रोड के बाहर बैठे, लेकिन हमारी कार्रवाई चालू रहती है। लेकिन पहले जैसा गुलाब मार्केट की वजह से रोड पूरा ब्लॉक रहता था, वहाँ पे ट्रैफिक होती थी, वो फ़िलहाल अभी नहीं है। अभी एक साल से पूरे रोड क्लियर है जब से मैंने चार्ज लिया, और मैं जब तक हूँ ऐसा ही काम चलता रहेगा। सर कहीं ना कहीं जो वहाँ पर इलीगल तरीके से पार्किंग होती है, तो उसको लेकर भी तरह तरह के बात उठते हैं, तो कार्रवाई पार्किंग के लिए मैंने ट्रैफिक से कोऑर्डिनेट करके तीन चार बार कार्रवाई की है, और ट्रैफिक को भी मैंने लेटर लिखे। अभी फ़िलहाल इलेक्शन था, अभी कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो चुका है 27 तारीख को। अभी नेक्स्ट वीक से मैं वापस वही कार्रवाई करने वाला हूँ ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट करके। सर आगे आपकी कार्रवाई किस तरह से जारी रहेगी? और कहीं ना कहीं जो है एक बात और सामने आ रही थी कि जो इमारतें थी तो धोखादायक से बात जो है वो रिपेयर हुई, लेकिन उसके बाद भी वो इमारतें जो है धोखादायक में शामिल थी, तो ऐसा आखिर क्यों हुआ था? नहीं नहीं वैसा मैंने खुद चेक किया, वैसा तो रेयर केस में पहले कभी हुआ होगा, मेरे इस पे तो नहीं हुआ है। अगर जिसका कॉरपोरेशन के पैनल के ऊपर स्ट्रक्चर ऑडिटर जो है उनका अगर रिपोर्ट है कि रिपेयरेबल है तो खाली करके रिपेयर करना चाहिए तो हमने खाली करके रिपेयर किए। अगर बिल्डिंग रिपेयर किए तो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिए हमने, तो वापस तो वो धोखाधड़ी की लिस्ट पे नहीं आ सकती। फिर भी मैं एक बार चेक करूँगा। इतना ही कहना चाहता हूँ कि 1 नवंबर 2018 से टिल डेट आज तक जो कार्रवाई हुई ऐसी ही इसके बाद भी रहेगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से महेश आहिर ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अवैध निर्माणों पर जो कार्रवाई की है, जो हॉकरसों पर कार्रवाई की है, इसी तरह की कार्रवाई जो है वो आगे भी जारी रखेंगे। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।